तो कैसे आप वीवो Y55 में गूगल के डायलर को अनइंस्टॉल करके वीवो के अपना जो डायलर है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, को जिस तरीके का इसका इंटरफेस है, और यहां पर मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर जैसे क्लिक करता हूँ तो रिकॉर्ड सेटिंग में मुझे यहाँ पर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिल जाता है। तो ये सेम चीज़ आप अपने वीवो Y55 में कर सकते हैं, बस आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये गूगल का डायलर भी है, लेकिन मैंने इसको जो है बंद किया हुआ है, और जो जब हम कॉल मिलाते हैं तब भी जो यानी कि इंटरफेस आता है वो भी मैंने चेंज किया हुआ है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से ईज़िली मिल जाएगी और ये फ्री है एप्लीकेशन, इसमें कोई एड्स वगैरह भी नहीं आते, तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। आप लोगों ने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे यानी कि इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपने इसको सिंपली ओपन करना है। अब यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये ऊपर ऊपर जो आपको 3 डॉट्स मिल रहे हैं, ये जो ऊपर है इसको आपने टैप करना है। तो यहाँ से फिर से इस तरह से आप 4 बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने सिस्टम पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐप पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, जिसका मैं आपको हो सकता है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं, नहीं तो आपने यहाँ पर इनका UI पर क्लिक करके इसको फ़ोन मैनेजमेंट को यहाँ से कर लेना है इंस्टॉल कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने बैक आना है और दोबारा बैक आना है आपने प्राइवेट एप्लीकेशन पर, ये जो PRIV लिखा हुआ है और उसके बाद ऐप लिखा हुआ है इस पर आपने टैप कर देना है। उसके बाद आपने डायलर पर क्लिक करके इसको भी यहाँ से कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ से जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं इनको भी आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। अब आप जो है सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में, यहाँ पर आपने जाना है डिफ़ॉल्ट ऐप्स पर। डिफ़ॉल्ट ऐप्स पर आपको मिलेगा फ़ोन ऐप, इसको आपने यहाँ से इससे हटा कर इसमें सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने बैक आना है और यहाँ पर सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ से जो है गूगल का जो डायलर है फॉन्ट सर्च करना है और इसको यहाँ से डिसेबल कर देना है। तो आप जैसे डिसेबल करेंगे आपका ये जो वाला डायलर है ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसको इजीली आसानी के साथ इस्तेमाल भी कर पाएंगे ऑटोमेटिक कॉल।